हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी क्या होती है? डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई एक नंबर दे रखा है, आप बताओ इस बड़े नंबर को, मान लो कोई नंबर दे दिया उसने 1, 2, 3, 4, 5, वो आपसे पूछेगा बताओ ये 19 से डिवाइड होता है नहीं होता। अगर होता है तो रिमाइंडर तो जीरो आएगा, अगर डिवाइड नहीं होता तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं, ये आपसे पूछेगा। तो हम कैसे पता लगाएंगे ये 19 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? पता लगाने का तरीका सिंपल ये है कि आप इसको डिवाइड करके देख लो। तो डिवाइड करके देखेंगे तब भी पता लग जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा तब भी पता लग जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम को कम करने के लिए हम इनके तरीके सीखते हैं कि अगर 19 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो हमें देखते ही पता लग जाए डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और देखते ही पता लग जाए भाई इसका रिमाइंडर कितना आएगा अगर इस नंबर को डिवाइड करेंगे 19 से। तो देखते के साथ ही हमें मालूम हो जाए कि पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर जीरो, और देखते ही पता लग जाए कि भैया अगर डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। ये इस बात की सारी लड़ाई है टाइम की, वरना डिवाइड तो सबको करना आता है। तो हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर। बच्चों आपको डिविजिबिलिटी सीखने के लिए क्या क्या सीखना है पहले वो देखते रहो ध्यान से। डिविजिबिलिटी सीखने के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट ये सीखना है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पहले आपको नंबर्स के बारे में बता रहा हूं कुछ थोड़ा सा, आप जो पॉइंट बता रहा हूं उसी पॉइंट को फॉलो करते रहना और देखना एक दो क्लास के बाद आप सबको पूरा डिविजिबिलिटी आ जाएगा नंबर्स। तो बच्चों देखना, दो फॉर्म के नंबर होते हैं। पहली फॉर्म होती है नंबर्स की 10n+1, फर्स्ट फॉर्म, और दूसरी फॉर्म होती है 10n-1। तो जो अभी 10n+1 की फॉर्म में कौन से नंबर होते हैं, 10n+1 की फॉर्म में कौन से नंबर होते हैं? देखो जैसे कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 11, तो 11 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 × 1+1 आ जाएगा 11। तो ये हो गया 10n+1, तो ये 11 क्या है, 10n+1 की फॉर्म का एक नंबर है। और देखते हैं अगर मैं बात करूं 21 की, तो 21 को क्या लिख सकता हूं, 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 2+1 लिख सकते हैं। 10 × 2 करोगे तो 20 एंड प्लस 1 करोगे तो 21। इसका मतलब 21 भी एक ऐसा नंबर है जो 10n+1 की फॉर्म है। और कौन सा नंबर हो सकता है, और बात करें तो 10n की फॉर्म में, 10n+1 की फॉर्म में और कौन सा नंबर हो सकता है? जैसे कि हम बात करें 31 की, तो 31 को क्या लिख सकते हो बताओ, 10 × 3+1, तो ये 30 और +1 31 भी है। और बात करें तो 41 होगा, 41 को क्या लिख सकते हो, 10 × 4+1, तो कितना जाएगा 41। इस प्रकार कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जो 10n+1 की फॉर्म में हो, पहले हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ी देर में सारे नंबर की डिविजिबिलिटी आ जाएगी, बस पेशेंस रखना है और सुनते रहना और देखते रहना। तो अभी डिविजिबिलिटी सीखने के लिए आपको बता रहे हैं नंबर्स के बारे में, वो नंबर जो इस फॉर्म में होंगे 10n+1, उन नंबर की डिविजिबिलिटी की बात चल रही है। ये क्या है डिविजिबिलिटी, ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस फॉलो करते रहो। 10n+1 की फॉर्म में जो नंबर होंगे कौन से नंबर होते हैं 10n+1 की फॉर्म में, 11, 21, 31, 41, यानी इससे एक आइडिया मिल गया जिसके लास्ट में 1 लगा हुआ है। तो 41, फिर क्या होगा, 51, 61, 71, 81, 91 एंड 101, ऐसे ही 201, ऐसे ही 301, 401, 501, समझ रहे हो भाई, ठीक है, जिसके लास्ट में 1 लगा हुआ है और जिसको आप 10n+1 की फॉर्म में लिख सकते हो। तो 10n+1 की फॉर्म में ये नंबर होते हैं। अब बात कर रहे हैं सेकंड केस की, सेकंड केस 10n-1 की फॉर्म में कौन से नंबर होते हैं। जैसे बच्चों मान लो अगर मैं बात करूं 19 की, तो 19 को क्या लिख सकता हूं, 10 × 2 एंड -1, तो 10 × 2 20, 20 - 1 19 आ जाएगा, तो हो गया 10n-1, तो बन रही है 10n-1 की फॉर्म बन रही है, बिल्कुल बन रही है। और बात करें तो कौन सा नंबर, 29 को क्या लिख सकते हो, 10n क्या होगा, 3 - 1, ये 3 अपने आप सोच रहा हूं मैं ताकि ये फॉर्म बन जाए, तो 29 को ऐसे लिखा जा सकता है 10 × 3 - 1 30, 30 - 1 29 आ जाएगा। तो इसका मतलब 10 हो गया, ये n हो गया, -1, तो इसका मतलब 29 को ऐसे लिख सकते हैं और ये इस फॉर्म का एक पार्ट है, बिल्कुल क्लियर है भाई। और कौन सा नंबर होगा, जैसे कि 39 हो जाएगा, 39, फिर 49, 59, 69, 79, 89, 99,
समझ रहे हो भाई। तो ये सारे नंबर आपको बता दिया हमने कि जो वो नंबर जो 10n प्लस 1 की फॉर्म में होंगे वो नंबर ये रहे 11, 21, 31, ऐसे आप कितने भी नंबर पता लगा सकते हो, और जो नंबर 10n माइनस 1 की फॉर्म में होंगे वो नंबर ये रहे। क्लियर है भाई, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं, मैं क्या सिखा रहा हूं थोड़ी देर में पता, आगे चलते हैं। अब पॉइंट नंबर सेकंड में आपको क्या याद करना है, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर फर्स्ट में सीख लिया कौन से नंबर 10n माइनस 1 की फॉर्म में होते हैं और कौन से नंबर 10n प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं, ये हमने सीख लिया। अब आपको याद करने हैं ऑस्कुलेटर्स, ये ऑस्कुलेटर क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में डिस्कवर हो जाएगा, डिस्कवर तो पहले से ही है, आपको पता लग जाएगा कि ऑस्कुलेटर क्या है। जो नंबर 10n माइनस 1 की फॉर्म में होंगे बच्चों उनके ऑस्कुलेटर आपको याद करने हैं। 10n माइनस 1 की फॉर्म में कौन से नंबर हैं, 19 है, 29 है, 39 है, 49 है, 59 है, 69 है, 79 है, 89 है एंड 99 है। ये सारे नंबर क्या है 10n माइनस 1 के नंबर, 10n माइनस 1 की फॉर्म में। तो आपको याद करना है 10n माइनस 1 की फॉर्म में ये नंबर है तो इनके ऑस्कुलेटर याद कर लेने हैं। 19 का ऑस्कुलेटर क्या होता है 2, 29 का ऑस्कुलेटर 3, 39 का 4, 49 का 5, 59 का 6, 69 का 7, 79 का 8 और 89 का 9 और 99 का 10। अब ये कैसे, बिल्कुल आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आप रटोगे या भूल जाओगे, भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो 10n माइनस 1 की फॉर्म में 19 है तो 19, यहाँ पे 1 है तो एक बढ़ा दो 2 हो गया, 29 है तो एक बढ़ा दो 3 हो गया, 39 का ऑस्कुलेटर क्या होगा एक बढ़ा दो 4, 49 का ऑस्कुलेटर क्या होगा एक बढ़ा दो 5, 59 का ऑस्कुलेटर क्या होगा एक बढ़ा दो 6, 69 का ऑस्कुलेटर 7, 79 का ऑस्कुलेटर 8, 89 का एक एक बढ़ा दो। समझ में आ रही है बात भाई। तो इस प्रकार आपने ऑस्कुलेटर याद कर लिए, 19, 29, 39 जिसके लास्ट में 9 लगा हुआ है उनके ऑस्कुलेटर आपने याद कर लिए, एक बढ़ाना है बस खाली। अब 39 का एक मल्टीपल है 13, 13 से डिवाइड हो जाता है 39, 13 या 39, तो 39 का जो ऑस्कुलेटर होगा वही 13 का होगा, ये भी याद कर लेंगे। जो 39 का ऑस्कुलेटर है वही 13 का भी है, जो 49 का ऑस्कुलेटर है वही 7 का भी है, और 23 से डिवाइड हो जाएगा, 23 का एक मल्टीपल है तो जो 69 का ऑस्कुलेटर था 7, तो 23 का भी ऑस्कुलेटर क्या होगा 7। तो इस प्रकार आपको ऐसे 11 9 जा 99, तो अगर 99 का ऑस्कुलेटर 10 है तो 11 का ऑस्कुलेटर भी क्या होगा 10 होगा। यहां पर क्लियर है भाई, कहानी समझ में आ रही है। इधर 11 का ऑस्कुलेटर माइनस 1 है, इसका यूज करके भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर मैं 10 लूं उसका यूज करके भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, देखते रहना। अभी आप ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा टेंशन मत लो कि हमें समझ में नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है, जो जो मैं बोल रहा हूं आप करते चलो। तो हमने अभी तक आपको बताया क्या है 10n माइनस 1 की फॉर्म में नंबर और 10n प्लस 1 की फॉर्म में नंबर, और 10n माइनस 1 की फॉर्म में जो नंबर होंगे 10n माइनस 1 की फॉर्म में नंबर होंगे ये सारे 99 जिसके पीछे लगा उनके ऑस्कुलेटर याद करने हैं, और 10n प्लस 1 की फॉर्म में जो नंबर होंगे उनके ऑस्कुलेटर याद करने हैं। 10n प्लस 1 की फॉर्म में जो नंबर होंगे उनके ऑस्कुलेटर ऐसे 11 है, 10n प्लस 1 की फॉर्म लिख सकते हैं 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 एंड 101। तो इनके ऑस्कुलेटर क्या होते हैं, देखो 11 है तो बस माइनस लगाना आगे माइनस 1, 21 है तो माइनस लगा दो माइनस 2, 31 जिनमें लास्ट में 1 1 लगा हुआ है तो उनके ऑस्कुलेटर आगे वाले नंबर ही होंगे, बस नेगेटिव हो जाएंगे याद हो जाएगा। 71 है तो माइनस 7, 81 है तो माइनस 8, 91 है माइनस 9 और 101 है तो माइनस 10। क्लियर है भाई। और जो इनके मल्टीपल हैं 7 इसका मल्टीपल है, 17 इसका है, 13 इसका है, तो इसका ऑस्कुलेटर भी माइनस 9, 13 का ऑस्कुलेटर माइनस 9 भी होता है, और यहाँ पे देखो 13 का ऑस्कुलेटर 4 भी होता है, 4 का यूज करके भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं और माइनस 9 का यूज करके भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है भाई। तो बस इतनी सी बात हमने आपको बताई है, याद करने की चीज बताई है, और याद करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे तो लगता नहीं कोई बड़ी बात है इसके अंदर। आपको दो फॉर्म के नंबर बताए मैंने, 10n माइनस 1 की फॉर्म और 10n प्लस 1 की फॉर्म, और जो 10n माइनस 1 की फॉर्म में होंगे जिसके पीछे 99 लगा होगा उसके ऑस्कुलेटर आगे वाले नंबर ही होंगे, बस एक बढ़ा के लिखना है, और जो 10n प्लस 1 की फॉर्म में होंगे जिनके पीछे 11 लगा होगा, जिनके पीछे 11 लगा होगा उनके ऑस्कुलेटर क्या होंगे आगे वाले नंबर ही होंगे, बस नेगेटिव लिखना है, और जो इन नंबर के मल्टीपल हों उनके ऑस्कुलेटर भी वही होते हैं। इतनी बात बता दी भाई, आगे चल रहे हैं। चलेंगे भाई, ध्यान से सुनना। अब हमने ऑस्कुलेटर तो सीख लिए, ऑस्कुलेटर तो सीख लिए, अब इसका यूज कैसे करते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड, सारे पॉइंट वाइज बता रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। पॉइंट नंबर थर्ड, मान लो आपके पास कोई नंबर है,
वो नंबर हमारे पास है ये ए बी सी डी, चार डिजिट का नंबर है। जैसे मान लो 2, 3, 4, 5, ये चार डिजिट का नंबर, पांच डिजिट का हो सकता है, छह डिजिट का हो सकता है, सात डिजिट का हो सकता है, कितना भी हो सकता है। कितना आपके पास कोई नंबर है ए बी सी डी, तो बच्चों ये जो होता है ध्यान से देखना भाई, ये जो है इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस पे नंबर है, इसको बोलते हैं यू, इसका नाम क्या रखते हैं हम यू, और ये जितनी भी डिजिट बच गई उसका नाम रखते हैं हम टी। आपके पास नंबर है ए बी सी डी, जो लास्ट में है उसका नाम मैंने रखा यू, और इधर जितना भी टर्म बच गई उनका नाम रखा मैंने टी। अब आपको याद रखना है ऑस्कुलेटर मैथड क्या होता है, ऑस्कुलेटर मैथड, ऑस्कुलेटर मैथड, ऑस्कुलेटर मैथड होता है टी प्लस ऑस्कुलेटर यू, ये आपको याद रखना है भाई, यही खास चीज है, अभी अभी समझ में आ जाएगा। देखो भाई ध्यान से सुनना, कोई नंबर है मेरे पास ए बी सी डी, और ऑस्कुलेटर मेथड बोलता है टी प्लस टी ये होगा, ऑस्कुलेटर लगाएंगे एंड यू ये होगा जो लास्ट डिजिट है। अब वो आपसे बोलेगा, पूछेगा आपसे कि बताओ, पॉइंट नंबर थ्री है, अब इसका यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज, हाउ टू यूज ऑस्कुलेटर मेथड, ऑस्कुलेटर मेथड, ऑस्कुलेटर मेथड को यूज कैसे किया जाता है ये सीखने वाले हैं। देखो भाई कैसे यूज करते हैं ऑस्कुलेटर मेथड को, मान लो कि हमारे पास कोई नंबर है 190, क्या नंबर है 190, और आपको चेक करना है, चेक 190 इज डिविजिबल बाय, बिल्कुल आसान सी चीज ले रहा हूं जो आपको देखते ही पता लग जाए, डिविजिबल बाय 19। ऑस्कुलेटर का यूज करके कैसे पता लगाएंगे देखना भाई, आपके पास नंबर है कोई 119 और आपको ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 19 से डिवाइड हो है या नहीं। देखने से पता लग रहा है भाई 190 जो है वो 19 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल दिख रहा है, तो 10 आंसर आएगा, ये तो दिख रहा है मुझे, तो मैंने जानबूझकर ऐसा नंबर लिया ताकि आपको दिखे भाई ये 19 से डिवाइड होता है। अब अगर मुझे यही चीज चेक करनी हो किससे, ऑस्कुलेटर मेथड, कि ये जो नंबर है 190 वो 19 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो हम कैसे चेक करेंगे ये देखते हैं। बड़े बड़े नंबर लेंगे अभी, बस एक बार मेथड समझ में आ जाए, हाउ टू यूज ऑस्कुलेटर मेथड, तो ये नंबर है 190, मुझे पता लगाना है ये 19 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 190 19 से डिवाइड करोगे तो 19 कट जाएगा और ये 19 से डिवाइड होगा, लेकिन मैं इसको चेक करना चाहता हूँ ऑस्कुलेटर मेथड, क्योंकि ऑस्कुलेटर मेथड कोई 5 डिजिट का नंबर, 7 डिजिट का नंबर, 10 डिजिट का नंबर, वो भी आपकी हेल्प कर देगा उस नंबर को भी बताने में कि वो 19 से 29 से 39 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो देखते हैं भाई ये नंबर 19 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, किसका यूज करके, ऑस्कुलेटर का। तो नंबर है मेरे पास 190, बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं यू, और इस पूरे को क्या बोलते हैं टी, 190 में इसको यू बोलते हैं, इसको टी बोलते हैं। तो अगर कोई नंबर वो 19 से डिवाइड हो जाएगा, अगर उसका ऑस्कुलेटर नंबर, ये क्या है ऑस्कुलेटर नंबर, टी प्लस टू यू ऑस्कुलेटर नंबर, अगर ये ऑस्कुलेटर नंबर बनाऊंगा मैं, अगर ऑस्कुलेटर नंबर 19 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं इस 190 का ऑस्कुलेटर नंबर क्या बनेगा, 190 का ऑस्कुलेटर नंबर क्या बनेगा, टी प्लस ऑस्कुलेटर यू, यही होता है ऑस्कुलेटर नंबर निकालते हैं, टी क्या है 19 प्लस ऑस्कुलेटर, अब उन किससे डिवाइड चेक करना, मुझे किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है 19 से, भाई देखते रहे ना, थोड़ा सा अलग सा लगेगा आपको, लेकिन एक बार सीख लिया तो बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी, दोबारा रिपीट कर दूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउ टू यूज ऑस्कुलेटर मैथड, कहते हैं ऑस्कुलेटर मैथड को हम कैसे यूज करते हैं सीखने वाले हैं, वो बोलता है 190 आपको चेक करना है, 190 इज डिविजिबल बाय 19, तो किसका किससे डिवाइड हो जाना चाहिए 19 से, मुझे चेक करना है कि 190 19 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, हमें साफ साफ दिख रहा है कि 190 एक ऐसा नंबर है जो 19 से डिवाइड करोगे तो 19 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 19 कट जाएगा, लेकिन मैं ऑस्कुलेटर से चेक करना चाहता हूं कि 190 19 से डिवाइड होता है या नहीं होता।
तो ऑस्कुलेटर मेथड 190 19 से डिवाइड होता है या नहीं होता, ऑस्कुलेटर मेथड बोलता है इससे जो लास्ट डिजिट है उसको यू बुलाओ और जो बच गई डिजिट उसको टी बुलाओ। तो ऑस्कुलेटर ये जो नंबर है 190 19 से डिवाइड हो जाएगा अगर ऑस्कुलेटर नंबर, ऑस्कुलेटर नंबर क्या होता है टी प्लस ऑस्कुलेटर यू, अगर ऑस्कुलेटर नंबर नंबर 19 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी 19 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? तो ऑस्कुलेटर नंबर बनाते हैं टी प्लस ऑस्कुलेटर यू। तो टी क्या है हमारे पास, ये रहा आगे 19। ऑस्कुलेटर किससे डिवाइड चेक करना है आपको, 19 से। 19 का ऑस्कुलेटर क्या होता है भाई, हमने अभी बताया था आपको 19 का ऑस्कुलेटर, जो आपने याद किया 19 का ऑस्कुलेटर क्या है, दो। 19 का ऑस्कुलेटर क्या है, दो। तो टी प्लस ऑस्कुलेटर यू, तो टी ये रहा ऑस्कुलेटर, 19 का ऑस्कुलेटर क्या है टू, एंड यू चाहिए लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट कितनी है जीरो, टू इंटू जीरो से 2 × 0 जीरो होगा और ये कितना आएगा 19। अब आप चेक कर लो क्या ये 19, ये जो T प्लस ऑस्कुलेटर U नंबर जो मैंने बनाया, T प्लस ऑस्कुलेटर U नंबर क्या बनाया, ये नंबर बना, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया। अब आप चेक करो कि ये 19 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, बिल्कुल आसानी से, 190 भी दिख रहा था और 19 भी दिख रहा है कि 19 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। यानी कहने का मतलब जब आप ऑस्कुलेटर लगाओगे तो जिससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको, किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 19 से, 19 ही आ जाएगा, या तो 19 ही आ जाएगा या 0 आ जाएगा। अगर 19 ही आ गया या फिर क्या आ गया 0, तो ऐसे पता लग जाएगा जिससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, अगर वही नंबर आ गया, वही नंबर रिपीट होने लग गया, तो इसका मतलब ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? आएगा बच्चों, आएगा आएगा, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। थोड़ी सी और बड़ी बात कर रहे हैं और देखते हैं। तो बच्चों कहानी बिल्कुल सिंपल सी है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं बता रहा मैं आपको। कोई भी नंबर दे रखा हो, अब हम उसको ऑस्कुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन ऑस्कुलेटर से हम किसको करेंगे, यानी कि जो मैंने आपको बताए हैं किस नंबर की डिविजिबिलिटी के लिए, 19, 29, 39, इनसे डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो हम ऑस्कुलेटर का यूज़ करते हैं। कोई भी नंबर है आपके पास, ए बी सी डी ई एफ, कोई भी नंबर है, तो इज़ डिविजिबल बाय, अगर मैं बोलूं कि ये नंबर 29 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो हमें क्या चेक करना है, पूरे नंबर को 29 से डिवाइड करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे टी और इसको क्या बोलेंगे यू, और हम एक नया नंबर निकालेंगे, इसके अलावा एक नंबर नया नंबर निकालेंगे, नया नंबर को क्या बोलते हैं ऑस्कुलेटर नंबर निकालेंगे, ऑस्कुलेटर नंबर, ऑस्कुलेटर नंबर क्या होगा टी प्लस ऑस्कुलेटर यू, यानी कि जो टी होगा इसको प्लस करेंगे, इसमें ऑस्कुलेटर निकालेंगे 29 की डिविजिबिलिटी है, ऑस्कुलेटर निकालेंगे 29 का क्या आएगा, 29 का ऑस्कुलेटर 3 प्लस ये यू कर देंगे, और प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको आप चेक कर लो कि वो 19 से डिवाइड है या नहीं है, उसको चेक कर लो। अगर उसको चेक करने में भी दिक्कत आ रही है, वो बड़ा नंबर है, तो एक बारी और ऑस्कुलेटर नया नंबर निकालेंगे, यानी ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आया इस और देखा कि 29 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर इजीली पता लग गया तो फाइन, अगर आपको इजीली पता नहीं लग रहा है तो हम उसके अंदर जो नंबर आएगा उसमें एक बारी और ऑस्कुलेटर लगा देंगे और फिर चेक करेंगे 29 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो उस जो नया नंबर आएगा ऑस्कुलेटर नंबर उसमें एक बारी और ऑस्कुलेटर मेथड लगा देंगे। तो इस तरह ऑस्कुलेटर मेथड को एक्सटेंड करते रहेंगे और जब देखोगे लास्ट में आकर क्या होगा, 29 से डिवाइड डिविजिबिलिटी की बात हो रही है तो लास्ट में आकर क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा इजीली 29 से डिवाइड होता है या नहीं होता। चलो ठीक है, अभी तो क्वेश्चन करेंगे यार हम, क्वेश्चन पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं चाहता ही नहीं क्वेश्चन पे ज्यादा बात करूं, मुझे तो अभी आपको करना क्या है, ये बस ऑस्कुलेटर याद कराने, एक बार याद हो गए फिर इनका यूज करूंगा तो जाके चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है भाई, अब आपको पता लग चुका है पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया, दो फॉर्म के नंबर होते हैं, एक 10n-1 और एक होता है 10n+1, ये आपको पता लगा। दूसरी फॉर्म में आपको याद करना है ऑस्कुलेटर टेबल, ये जो फॉर्म के नंबर होंगे उनके ऑस्कुलेटर क्या होंगे, ऑस्कुलेटर्स याद करने हैं।
तीसरे पॉइंट में आपको याद करना है ऑस्कुलेटर नंबर, ऑस्कुलेटर नंबर, ऑस्कुलेटर नंबर, ऑस्कुलेटर नंबर क्या होता है ये बता दिया, टी प्लस ऑस्कुलेटर यू, बस इतना आप अभी याद कर लो और क्वेश्चन तो जादू चलेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो ये तीन बातें आपको मैंने बता दी। जैसे ये बातें सीख जाओगे फिर आपको डिविजिबिलिटी आ जाएगी, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे है, कैसे यूज करते हैं। आगे चलते हैं, ये जो मेथड बताया है ये कैसे हेल्प करेगा अभी थोड़ी देर में पता लगेगा आपको। अब आपको ये तो याद करना ही करना है, ये सारी चीजें याद करनी है, इसके बाद आपको ये सीधा सीधा याद कर लेना है, डिविजिबिलिटी एक से बीस तक की डिविजिबिलिटी हम याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से याद हो जाएगी। पहला डिविजिबिलिटी ऑफ वन, डिविजिबिलिटी ऑफ वन, पहला डिविजिबिलिटी ऑफ वन। वन की डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चों, दुनिया में जितने भी नंबर हैं सारे के सारे नंबर वन से डिवाइड हो जाते हैं, ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय वन। सेकंड डिविजिबिलिटी ऑफ, ये भाई याद करने का काम है बच्चों, एक बार याद कर लो, क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, सीरियसली क्वेश्चंस आर नथिंग, कुछ नहीं है क्वेश्चन। डिविजिबिलिटी बाय टू, डिविजिबिलिटी ऑफ टू, डिविजिबिलिटी ऑफ टू, कोई नंबर टू से कब डिवाइड होगा ये हम आसानी से बता सकते हैं, इफ अ नंबर नंबर इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय टू इफ इफ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इज इवन। कह रहा कोई नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा जब उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इवन। जैसे कि मान लो वो नंबर है हमारे पास ये 246892, अब हमें ये नंबर चेक करना है कि ये दो से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा या नहीं होगा, तो आपको क्या देखना है, बस यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट क्या है, टू, यूनिट डिजिट अगर इवन हो गई यानी कि टू हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट हो गया, या फिर जीरो हो गया, जीरो भी इवन होता है, जीरो टू फोर सिक्स एट, अगर यूनिट प्लेस पे क्या हुआ इवन नंबर, तो आप ये पूरा नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सीधा सीधा ये याद रख लेना आपको। तो पॉइंट सेकंड, आगे चल रहे हैं भाई, डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री की डिविजिबिलिटी, कोई नंबर तीन से डिवाइड कब होगा, तो नंबर अ नंबर इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय थ्री, कोई नंबर तीन से डिवाइड होगा इफ डिजिट सम, डिजिट सम इज डिविजिबल बाय थ्री। वो कहता है कोई नंबर तीन से डिवाइड कब हो जाएगा, कोई नंबर तीन से डिवाइड होगा जब उनका डिजिट सम किससे डिवाइड हो जाए, तीन से। देखो इसका मतलब क्या है भाई, मान लो कोई नंबर है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 1 2 3 4 5 9, ये नंबर है, मुझे चेक करना है कि ये नंबर तीन से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। कोई नंबर तीन से डिवाइड कब होता है, जब इन नंबर का डिजिट सम तीन से डिवाइड हो गया, तो ये पूरा नंबर भी तीन से डिवाइड हो जाएगा। तो इनका डिजिट सम निकालेंगे, डिजिट सम निकाला मैंने आपको बताया था, डिजिट सम कैसे निकालते हैं, जो नाइन होता है वो कट जाता है, ये 4 5, ये भी 9, इसका डिजिट सम करोगे तो कितना आ गया 6, तो आपने देखा 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होता है, कोई भी नंबर चाहे कितना बड़ा मर्जी क्यों ना हो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब उन सब उस नंबर की सारी डिजिट का सम
करूं और वो तीन से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर भी तीन से डिवाइड होगा। डिजिट सम करना आपको बता रखा है कि 9 कट जाएगा, 4, 5, 9 कट गया, इन डिजिट का सम कितना हो गया 6, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा डिवाइड, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, कोई नंबर 4 से डिवाइड कब होता है भाई? अब 4 से डिवाइड कब होता है ये बताने के लिए मैं आपको सारा पूरा का पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, पूरा प्रोसेस, 4 का ही नहीं उसमें बहुत सारे नंबर कवर हो जाएंगे। जैसे कि बच्चों 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना होता है 32। इस तरह अगर 2 की पावर कुछ भी, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, 2 की पावर 5 32 हो गया, 2 की पावर 6 64 हो गया, 2 की पावर 7 2 की पावर 8 2 की पावर 9 ऐसे करके अगर कोई भी नंबर आ जाता है, किसकी डिविजिबिलिटी बता रहे हैं 4 की, 4 को मैं लिख सकता हूं क्या 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। अभी मैं आपको इन सारे नंबर की डिविजिबिलिटी का प्रोसेस बताने वाला हूं, वो प्रोसेस सुन लेना भाई ध्यान से। पहले 4 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इन सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में बात कर लेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कोई नंबर कितना भी बड़ा मर्जी क्यों ना हो, कोई नंबर मान लो ये है 1, 2, 5, 6, 8, 4, ये नंबर क्या 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, हमें ये चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 4 यानी कि 2 की पावर 2। ये जो पावर है बच्चों आपको ये देखनी है, ये जो पावर दिख रही है ना, इस पावर को देखना है ध्यान से, तो 2 की पावर 2 है। तो अगर कोई भी नंबर 4 से डिवाइड कब होगा, आपको वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, बस 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट पे ही ध्यान देंगे, लास्ट 2 डिजिट के बारे में ही चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट से ही पता लग जाएगा कि वो नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो कोई नंबर की बात करें हम कि कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। अगर किसी नंबर को चेक करना है कि वो 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, तो कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो 2, 4, 6, 8, 9, 1, 3, 5 इतना बड़ा नंबर है। अब इतना बड़ा नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो मैं पूरे नंबर को नहीं देखूंगा, 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3, तो मेरा लास्ट 3 डिजिट से ही काम चल जाएगा। ये प्रोसेस बता रहे हैं आपको, ये प्रोसेस बहुत हेल्पफुल है। तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3, और इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि 16 से कोई नंबर, ये नंबर पूरा मान लो 16 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो क्या मैं पूरे नंबर को मैं 16 से डिवाइड करके देखूंगा, आंसर है नो, पूरे नंबर को 16 से डिवाइड नहीं करेंगे। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसका मतलब इसकी लास्ट 4 डिजिट को चेक करने से ही पता लग जाएगा पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं किसकी, 32 की, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो क्या मैं पूरा नंबर देखूंगा 32 डिवाइड होता है कि नहीं होता, नहीं, 2 की पावर 5 मतलब इसकी लास्ट की 5 डिजिट को चेक करने से ही पता लग जाएगा पूरा नंबर 32 से डिवाइड होता है या नहीं होता। आई होप कि थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, अभी मैं आपको लिखवा रहा हूं। देखो बच्चों, डिविजिबिलिटी चल रही है 4 की, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसको समझने के लिए देखना भाई ध्यान से, मान लो कोई नंबर है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नंबर है, ठीक है, ये मुझे नंबर चेक करना है कि 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो देख, जैसे मैंने देखा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो चेक ओनली लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे, बस लास्ट 2 डिजिट ये रही, इसको चेक करेंगे। अब इसमें बनते हैं बच्चों 2 केस, केस नंबर फर्स्ट। तो जैसे हमने देखा 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, अब 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो हमें बस चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, पूरे नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। किसको चेक करने की जरूरत है, लास्ट 2 डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे। तो इसमें भी 2 केस बनते हैं, अगर ये सेकंड डिजिट, कौन सी डिजिट, सेकंड डिजिट,
सेकेंड डिजिट। सेकेंड डिजिट या तो ऑड होगी या फिर इवन होगी। यहां पर क्या है? ऑड। तो दो केसेस हैं, या तो ऑड होगी या इवन होगी। तो सेकेंड डिजिट केस फर्स्ट। सेकेंड डिजिट मान लो कि हमारे पास है, पहले लेते हैं इवन। अगर सेकेंड डिजिट इवन है, सेकेंड डिजिट क्या है मान लो इवन है, देन चेक ओनली यूनिट डिजिट, चेक ओनली लास्ट डिजिट, चेक ओनली लास्ट डिजिट। ये अच्छे से समझना भाई, अभी सारा बता दूंगा, बस अच्छे से ध्यान से समझते रहना। तो डिविजिबिलिटी ऑफ फोर चल रही है, डिविजिबिलिटी ऑफ फोर। ये डिविजिबिलिटी ऑफ फोर क्या बोलती है? फोर को लिख सकता हूं मैं टू का स्क्वायर। ये नंबर है, मुझे चेक करना है कि ये नंबर चार से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फोर को लिख सकता हूं टू का स्क्वायर। इसका मतलब मुझे सारे पूरा नंबर चेक नहीं करना, टू का स्क्वायर लिख दिया तो इसका मतलब लास्ट टू डिजिट चेक करने से पता लग जाएगा ये पूरा नंबर चार से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो चेक ओनली लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट को चेक करेंगे। अब इसमें भी दो केस बन जाते हैं, केस फर्स्ट। सेकेंड डिजिट जो है, सेकेंड डिजिट ये वाली, सेकेंड डिजिट अगर या तो इवन होगी या ऑड होगी। मान लेते हैं क्या है, अभी एक केस में मान लेते हैं इवन है। सेकेंड डिजिट क्या है? इवन। मान लेते हैं सेकेंड डिजिट क्या है? इवन। अगर ये सेकेंड डिजिट इवन हुई तो देन चेक ओनली लास्ट डिजिट, सिर्फ एक ही डिजिट को चेक करना पड़ेगा, यानी चेक ओनली लास्ट डिजिट। इफ लास्ट डिजिट इज डिवाइडेड बाय फोर, लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय फोर, देन होल नंबर is divisible by 4। तो ये क्या बोलता है भाई? जैसे हमने देखा 2 की पावर 4, देख लो अच्छे से सीखना, पूरा सक्सेसिव बता रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। 2 की डिविजिबिलिटी तो आपको पता लग गई, 2 को 2 की पावर 1, इसका मतलब लास्ट की एक डिजिट चेक करनी है, एक लास्ट की एक डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो गई तो वो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 4 को ले सकते हैं 2 की पावर 2, लास्ट की दो डिजिट चेक करनी है, लास्ट की दो डिजिट कैसे चेक करनी है? इसमें भी दो केस बनेंगे, अगर ये सेकंड डिजिट क्या है? ऑड या फिर इवन। पहले केस मान लेते हैं कि सेकंड डिजिट क्या है? इवन। अगर सेकंड डिजिट क्या हुई? इवन, तो चेक ओनली लास्ट डिजिट, सिर्फ आप लास्ट डिजिट को चेक करोगे। अगर लास्ट डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो गई तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब इसमें सेकंड डिजिट क्या है? ऑड है। सेकंड डिजिट क्या है? ऑड है। बात समझ में आ रही है भाई? पक्की बात है? देखते रहना, आगे चल रहे इसी में आगे। केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड। इफ केस सेकंड, इफ सेकंड डिजिट इज ऑड। अगर सेकंड डिजिट क्या हुई? ऑड हुई। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर देखो, सेकंड डिजिट क्या है? ऑड। अगर इवन होती तो बस मैं खाली इसको ही चेक करता, और अगर क्या हुई? ऑड। इफ सेकंड डिजिट इज ऑड, देन ऐड, किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है? 4। तो 4 का आधा करते हैं, देन ऐड 4 का आधा यानी के 2 इन लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, एंड चेक आफ्टर एडिंग हाफ ऑफ 4 इज डिविजिबल बाय 4। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल क्या रहा है?
भाई ये नंबर है, फोर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, सेवन है ऑड, भाई फोर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, फोर को क्या लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर, फोर को क्या लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर जैसे आ गया तो हमें पता लग गया कि लास्ट की दो डिजिट चेक करनी है। अगर लास्ट की दो डिजिट चेक करनी है, ये क्या हुआ ओड, क्या हुआ इवन, इवन होता तो हम लास्ट की एक डिजिट चेक करते, मान लो ये इवन होता, सिक्स होता यहाँ पर मान लो, या फोर होता, कुछ भी होता, अगर वो बोलते यहाँ पे इवन होता तो लास्ट की एक डिजिट चेक करते, और अगर लास्ट की एक डिजिट चार से डिवाइड हो जाती तो पूरा नंबर चार से डिवाइड हो जाता, यानी कि आठ है, आठ चार से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी चार से डिवाइड हो जाता अगर ये इवन होता तो। अगर ये ऑड है सेकंड डिजिट तो हम इसमें डिविजिबिलिटी चेक करें तो चार का आधा, चार का आधा कितना दो ऐड कर देते हैं इसके अंदर, अगर आप इसके अंदर दो ऐड कर दोगे, आठ के अंदर दो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा दस हो जाएगा, और दस क्या चार से डिवाइड होता है, नहीं होता, कितना हो जाएगा दस हो जाएगा ना, तो दस चार से डिवाइड नहीं होता। अब दस चार से डिवाइड नहीं होता, इसका आधा दो इसमें ऐड कर दो, इसका आधा दो इसमें ऐड कर दो और देखो चार से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो भाई इसका आधा इसमें दो ऐड करोगे तो दस हो जाएगा, और फिर चेक कर लेंगे कि इसका आधा हमने टू इसमें ऐड कर दिया और कितना हो गया दस, दस चार से डिवाइड नहीं होता। बात समझ में आ रही है भाई, एक बार ये चेक कर लेते हैं, चेक ही कर लेते हैं यार ताकि कोई डाउट नहीं रहे भाई। कैलसी से चेक कर लेते हैं, चलिए भाई बात समझ में आ जानी चाहिए। तो अगर ये क्या है इवन, तो बस एक लास्ट चेक, हमें लास्ट डिजिट ही करनी है, अगर बस इसको देखना है, अगर ये इवन है तो देखो ये आठ चार से डिवाइड हो जाता है, चार से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, अगर ये ऑड है तो इस लास्ट डिजिट में ऐड करना है, चार का आधा कितना दो, चार का आधा दो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा दस, दस चार से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी चार से डिवाइड नहीं होगा। इसके अंदर दो नहीं ऐड करना, इसमें दो ऐड कर दिया और मैंने बोल दिया अठहत्तर और दो अस्सी, अस्सी को चेक नहीं करना चार से डिवाइड होता है या नहीं होता, किसको चेक करना है, बस लास्ट डिजिट में आधा दो ऐड कर दिया और देखा कितना दस हो गया, दस चार से डिवाइड नहीं होता तो पूरा नंबर भी चार से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है भाई, तो ये बात आ गई। तो देखो भाई हमने देख लिया, इसी के बाद अगर मैं अगली बात करूं आपसे, ये एक्सटेंशन चला रहे हैं इसी का, कि अगर इसी के अंदर केसेस हैं, अगर मान लो आठ की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है मुझे, किसकी डिविजिबिलिटी आठ की, आठ को क्या लिख सकता हूं टू की पावर थ्री लिख सकता हूं, कोई नंबर है मेरे पास ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये नंबर है और मुझे चेक करना है कि ये आठ से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो देखो आठ को हमने क्या लिखा टू की पावर थ्री, तो मुझे पूरा नंबर चेक नहीं करना, मुझे क्या करना है लास्ट टू की पावर थ्री, तो लास्ट की तीन डिजिट पे काम करना है, लास्ट के तीन डिजिट चेक करनी है। लास्ट के तीन डिजिट कैसे चेक करोगे, कि अगर ये वाली डिजिट या तो इवन होगी या ओड, मतलब एक पहले वाली, तीन है तो ये फर्स्ट वाली, दो है तो उसमें जो इधर पहली होगी उसकी बात होती है, तो अगर ये पहले वाली डिजिट क्या होगी, या तो इवन होगी या फिर ऑड होगी, तो इसमें दो केस बनाते हैं, केस फर्स्ट, ये पहले वाली डिजिट, फर्स्ट वाली डिजिट क्या होगी, या तो इवन, अगर इवन होगी, अगर क्या है ये इवन है मान लो, तो देन चेक ओनली लास्ट टू डिजिट,
अगर ये इवन है तो लास्ट टू डिजिट चेक करोगे, लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। अगर ये क्या है इवन, तो बस ये दो डिजिट चेक करो, 8 से डिवाइड होती है कि नहीं होती। अगर ये 8 से डिवाइड होती है दोनों की, दोनों डिजिट का नंबर बन गया। अगर ये 8 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। केस सेकंड क्या बोलता है कि अगर ओड हो गई, फर्स्ट डिजिट जो है वो क्या हो गई, ओड इज ओड, तो फिर वही करना है, चेक तो यही करनी है। देखो भाई, तो 2 की पावर 3 लास्ट के 3 डिजिट पे काम चलेगा। तो अगर ये क्या है हमारे पास, ओड, क्या है, इवन। अगर ये इवन है तो चेक लास्ट 2 डिजिट, बस 2 डिजिट चेक करो। अगर ये 2 डिजिट 8 से डिवाइड होगी तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये क्या हुई, ओड, केस नंबर सेकंड, इफ फर्स्ट डिजिट ये वाली ओड हुई, देन ऐड करोगे 8 का ना, 8 का आधा, 8 का आधा कितना, 4, ऐड कर दो, ऐड इन लास्ट 2 डिजिट, ऐड ऐड इन लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारे पास, 89 थी, 89 के अंदर कितना ऐड कर दो, 4, तो कितना आ जाएगा भाई, 93। और फिर चेक करो 93 क्या 8 से डिवाइड होता है, अगर 93 8 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ आपको ये सक्सेशन समझ में आ रहा होगा, कैसे सक्सेसिव ऑर्डर में बढ़ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, फाइनली क्लियर करते हैं इस बात को जो मैंने आपको बात बताई है। मैंने आपको बताई कि अगर 2 की पावर 1 यानी 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो कोई भी नंबर हो ए बी सी डी, तो हम क्या करते हैं, लास्ट की डिजिट पे बात करते हैं। लास्ट की डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो गई तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात, एक डिजिट की बात। अगर 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो 2 की पावर 1 तो एक डिजिट चेक करोगे, अगर लास्ट की एक डिजिट 2 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड कब होगी, जब इवन नंबर होगा, इवन लिखवाया था मैंने, तो अगर लास्ट की एक डिजिट 2 से डिवाइड होगी तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। इसी में बात करें अगर 2 की पावर 2 यानी 4 की डिविजिबिलिटी, तो कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा यानी 2 की पावर 2, तो किस पे काम होगा, ए बी सी डी ये नंबर है, किस पे काम होगा, लास्ट की दो डिजिट पे 2 की पावर 2 है तो लास्ट की दो डिजिट पे। लास्ट की दो डिजिट में भी दो केस बनेंगे कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला कौन सा सी, जो ये सी नंबर है इसको देखते हैं, लास्ट की दो डिजिट ही चेक करनी है, इस सी को देखते हैं। अब ये सी या तो इवन होगा या ओड होगा। अगर ये सी क्या हुआ, इवन, अगर ये सी क्या हुआ, इवन, तो बस एक डिजिट चेक करोगे, जो डी है उसको देख लो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर डी खाली 4 से डिवाइड हो गया तो फिर पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, अगर ये क्या है, इवन है। और अगर ये ओड हुआ, सी क्या हुआ, ओड हुआ, तो इस 4 का आधा 2 इस डी में ऐड करोगे, 4 का आधा कितना होगा, 2 इस डी में ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो है उसको देखो कि वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर 4 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 2 की पावर 3 की बात करें, 2 की पावर 3 यानी कि 8, मान लो नंबर है मेरे पास क्या, ए बी सी डी ई, ये नंबर है 2 की पावर 3, तो किसकी बात चलेगी, लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट की 3 डिजिट कैसे चेक करोगे, लास्ट की 3 डिजिट चेक करोगे, उसमें भी दो केस बनेंगे, ये सी को देखोगे, अगर सी क्या हुआ, इवन, अगर सी क्या हुआ, इवन, तो ये लास्ट की 2 डिजिट चेक करोगे, अगर ये दोनों 8 से डिवाइड हो गई तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अगर ये सी क्या हुआ, ओड, अगर सी क्या हुआ, ओड, अगर ये ओड हुआ तो इस डी ई के अंदर 8 का आधा 4 जोड़ो, और जोड़ने के बाद देखो कि 8 से डिवाइड होता कि नहीं होता, हो गया तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 2 की पावर 4 यानी 16 की डिविजिबिलिटी, तो 16 की डिविजिबिलिटी में क्या होगा, नंबर है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ, तो 2 की पावर 4 लास्ट की 4 डिजिट काम चलेगा, लास्ट की 4 डिजिट पे काम चलेगा, और लास्ट की 4 डिजिट पे भी काम चलेगा, उसमें से भी आप इसको देखोगे सी, अगर या तो इसमें दो केस बनेंगे, या तो सी क्या होगा, इवन या ऑड। अगर ये इवन हुआ तो लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लो, 8 से डिवाइड होती, 16 से डिवाइड होती है कि नहीं होती, अगर लास्ट की 3 डिजिट 16 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। और अगर ये सी क्या हुआ, ऑड, तो 16 का 8 इसके अंदर ऐड कर दो, किसमें, डी ई एफ प्लस 8 कर दो, और इसको चेक कर लो 16 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, अगर ये 16 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई भाई। अगर 2 की पावर 5 हो तो समझ लो लास्ट की 5 डिजिट पे काम चलेगा,
और पांचवी डिजिट को देखोगे या तो इवन होगी तो लास्ट की चार डिजिट चेक कर लो, 32 से डिवाइड होती है कि नहीं होती, समझ में आ रही है बात भाई। और अगर ऑड होगा तो 32 का आधा 16 कर दो और फिर चेक करो डिवाइड होती, ये सक्सेसिव है। तो चल क्या था भाई डिविजिबिलिटी, ये आपको ऑस्कुलेटर बताया मैंने, डिविजिबिलिटी ऑफ वन की बताई, डिविजिबिलिटी ऑफ टू की बताई, और इधर मैंने आपको बता दिया भाई ये, इधर आपको ये बता दिया हमने डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री। कोई नंबर तीन से डिवाइड कब होगा, जब उन सबकी डिजिट को सम कर दोगे, उन सबका डिजिट का सम कर दोगे, कितना रहा 6। अब कोई किसी को ना पता होगी मैंने 9 और 4 5 9 कैसे काट दिया, तो डिजिट सम वाली वीडियो देख लो, अगर नहीं भी आ रहा तो इसको आप ऐड ही कर दो, सबको ऐड कर दो और फिर जो 2 डिजिट का नंबर आएगा उसको दोबारा ऐड कर दो तो वो 6 ही आएगा, समझ में आ रही है बात भाई। अगर नहीं आया तो आप डिजिट सम वाली वीडियो देख लेना। तो अगर ये इसका डिजिट सम 3 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 3 से होगा। 4 मैंने आपको बता दिया सक्सेसिव में, 4 भी बता दिया, 8 भी बता दिया, 16 भी बता दिया, 32 भी बता दिया, 64 भी बता दिया, इस तरह 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, कोई भी नंबर हो हम इस तरीके से चेक करते हैं। आगे चल रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास, आगे चल रहे हैं भाई। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 तक हो गई, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 5 की डिविजिबिलिटी। तो कोई नंबर 5 से डिवाइड कब होता है, कोई भी नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, तो कोई नंबर बच्चों 5 से डिवाइड कब होता है, जब यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए या 5 आ जाए। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 है, लास्ट डिजिट इज 0 और 5। अगर लास्ट डिजिट क्या आ गई, 0 या 5, लास्ट डिजिट क्या आ गई भाई, 0 या 5, तो कोई भी नंबर 5 से डिवाइड, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे मान लो कोई भी नंबर 2, 7, 3, 5, तो ये 5 आ गया लास्ट डिजिट में, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपको याद करना है। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 और 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 2 × 3 किसी भी नंबर को आपने ऐसे लिख दिया 2 फैक्टर में, तो आप डिविजिबिलिटी के केस में 2 फैक्टर में लिख तो दिया, लेकिन ये दोनों फैक्टर पर ध्यान रखना है, ये दोनों फैक्टर जो हैं वो को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है ये इसका कोई ऐसा कॉमन फैक्टर ना हो जो दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा कोई कॉमन नंबर ना मिले जो दोनों को डिवाइड कर दे। देखो इसको और इसको कौन, दोनों को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, सिर्फ 1 इसको भी डिवाइड कर देगा, 1 इसको भी, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 1 के अलावा अगर कोई और नंबर आपको मिल गया जो दोनों को डिवाइड कर दे तो वो नंबर को प्राइम नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 12 और 4, तो 12 × 4 को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनको देखो 1 इसको भी डिवाइड करेगा, 1 तो सबको करता है, इसके अलावा एक 2 ऐसा नंबर मौजूद है दोनों को डिवाइड कर देगा, और 4 भी एक ऐसा नंबर मौजूद है दोनों को डिवाइड कर देगा। बात समझ में आ रही है, तो ऐसे नंबर 2 × 3, इस नंबर को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, तो 2 और 3 कैसे नंबर हो गए, को प्राइम, यानी कि इनका कोई कॉमन मल्टीपल ना हो एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई कॉमन मल्टीपल ना हो, यानी कि कोई कॉमन नंबर 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर इन दोनों को डिवाइड ना करता, उसको बोलते हैं को प्राइम। तो देखो भाई 6 की डिविजिबिलिटी कोई नंबर 6 से कब होगा, ये चेक कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 6, डिविजिबिलिटी ऑफ 6, तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, यस लिख सकते हैं बिल्कुल, और ये क्या है, को प्राइम। तो कोई भी नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3।
यानी कोई नंबर 6 से कब डिवाइड हो जाएगा, जब वो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। और कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है हमें पता है, जब उसका यूनिट प्लेस यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो इवन होनी चाहिए या 2 से डिवाइड हो जाए। और 3 से कब डिवाइड होगा वो नंबर, जब उनका डिजिट सम क्या हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो गया और 3 से भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी ऑफ सेवन की, कोई नंबर 7 से कब डिवाइड होगा, देखते हैं भाई 7 से कब डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की बिल्कुल आसान है और खास भी है। देखो हमने जब ऑस्कुलेटर किया था बच्चों, तो एक बारी ऑस्कुलेटर पे आ रहा हूं, देखो 7 यहां पे आ रहा है, 49 का ऑस्कुलेटर कितना है 5 और 7 का ऑस्कुलेटर भी कितना है 5। या इधर से देखो यहां पे भी 7 आ रहा है, इसका ऑस्कुलेटर कितना है 21 का -2 और 7 का भी कितना -2। या तो मैं इस वाले ऑस्कुलेटर से चेक कर सकता हूं कि कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा 5 ऑस्कुलेटर से, या मैं -2 ऑस्कुलेटर से भी चेक कर सकता हूं कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अभी मैं आपको इन पे एग्जांपल भी कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल कुछ समय के लिए जब तक ये पूरे रूल्स नहीं होते तब तक आप आंख बंद करके भैया रूल याद कर लो, ट्रस्ट करके मुझ पर कि आप रूल याद करोगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। देखना भाई, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 कह रहे कोई भी नंबर है ए बी सी डी, ये नंबर 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो इसको चेक करने के लिए ए बी सी डी इसको चेक करने के लिए हमारे पास दो रूल हैं। फर्स्ट मेथड, कौन सा मेथड, ऑस्कुलेटर मेथड, ऑस्कुलेटर मेथड। ऑस्कुलेटर मेथड क्या बोलता है, इसको यू बोलो और इसको टी बोलो, और 7 का ऑस्कुलेटर कितना होता है 5 कि कोई ये नंबर, ये जो नंबर है ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा जब इसका ऑस्कुलेटर नंबर 7 से डिवाइड, अगर इसका ऑस्कुलेटर नंबर 7 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऑस्कुलेटर नंबर, ऑस्कुलेटर नंबर, ऑस्कुलेटर नंबर क्या होता है टी प्लस ऑस्कुलेटर यू, ये आ गया ऑस्कुलेटर नंबर, ऑस्कुलेटर नंबर। तो ऑस्कुलेटर नंबर टी, ऑस्कुलेटर कितना होगा 7 का, अब हमने ऑस्कुलेटर टेबल में सीख लिया कितना होगा 5, यानी टी प्लस 5u। तो हम क्या निकालेंगे, इसको बोलेंगे पूरे को टी और इसमें इसका 5 टाइम्स u का 5 टाइम्स ऐड करके एक नया नंबर निकालेंगे, तो ये आ गया ऑस्कुलेटर नंबर। और इस नंबर को चेक करेंगे कि ये 7 से डिवाइड है कि नहीं, अगर ये ऑस्कुलेटर नंबर 7 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, याद करते रहे ना, बस खाली एक बार ट्रस्ट करके याद करते रहो। अभी मैं इसके बीच में क्वेश्चन नहीं छेड़ रहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको पूरा पूरा एक बार ये मेथड बता दूं, फिर हम इनके क्वेश्चन करेंगे तो फिर ये मेथड पक्के हो जाएंगे, लेकिन एक बार ही तो पता होना चाहिए क्योंकि जिन लोगों ने ऑस्कुलेटर जिनको नहीं पता उनको अजीब सा लग रहा होगा कि यार ये है क्या, हम नहीं सीख पाएंगे ऐसे करके। और ट्रस्ट मी भाई, सीखे जा सकते हैं अगर आप परफेक्टली सीखना चाहते हो तो आपको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो आ गया 43 की डिविजिबिलिटी, वहां जाएगा भाई 59 की डिविजिबिलिटी, वहां जाएगा 67 की डिविजिबिलिटी, वहां जाएगा 98 की डिविजिबिलिटी, तो कैसे करोगे, गिने चुने रटे हुए क्वेश्चन से तो आप रटा हुआ ज्ञान ही कर पाओगे। इस ऑस्कुलेटर की सहायता से हम कुछ भी कर सकते हैं, और जो आपको बता रहा हूं 1 से 20 तक की डिविजिबिलिटी वो, और ऑस्कुलेटर आता होगा तो कोई भी नंबर की डिविजिबिलिटी आएगी हम फटाक से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ाई ऐसे सीखनी है ना कि कुछ भी कर पाए हम, या गिनी चुनी 2-4 चीजें कर पाए तो उससे गणित आएगा नहीं। तो इसके दो मेथड हैं भाई, ये हो गया मेथड फर्स्ट, ऑस्कुलेटर मेथड 7 की डिविजिबिलिटी के लिए। आगे चल रहे हैं, मेथड सेकंड, 7 की डिविजिबिलिटी चल रही है, मेथड सेकंड मेथड है, वो बोलता है कि अगर कोई नंबर है ए बी सी डी ई एफ,
ये नंबर है, हमें चेक करना है ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आपको चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो और भी नंबर लेते हैं बड़ा, चलो इससे बड़ा नंबर लेते हैं। आप पहले मेथड पे फोकस करना है हमें, कोई एक ए बी सी डी ई ई आई जे, ये इतना बड़ा नंबर, कुछ भी 2 3 4 5 6 इतना बड़ा नंबर है, इसकी जगह कुछ भी हो 2 3 4 5, तो हमें तो अभी मेथड पे फोकस करना है। तो इसलिए मैं अभी कोई डिजिटल नंबर नहीं ले रहा, अभी तो ए बी सी डी अल्फाबेटिकली नंबर यूज कर रहा हूं। देखना ध्यान से, मेथड सेकंड बोलता है, मान लो ये नंबर है मेरे पास और मुझे चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों हम 7 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, 3 3 के बनाते हैं, तो 3 का पेयर, फिर ये 3 का पेयर, फिर ये 3 का पेयर, और यहां पे तो 3 नहीं बन, तो ये भी 3 का पेयर हो गया। आप क्या करोगे, 3 3 के पेयर बनाओगे, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो 3 3 के पेयर बनाओ, और जो बच गया उसमें वहां पे 3 का पेयर नहीं बन रहा तो उसके आगे 0 लगा दो, 1 0 या 2 0। तो कोई नंबर 7 से डिविजिबल होगा उसके लिए क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाए, फिर अल्टरनेटिव चलना है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसे चलना है। और जो प्लस वाले हैं उनको प्लस करो, जो माइनस वाले हैं उनको प्लस करो। तो आपको करना क्या, जो प्लस वाले हैं इधर से चलना है, एच आई जे प्लस बी सी डी, इनको प्लस कर दो, फिर इनको प्लस करोगे माइनस माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो फिर प्लस किसको करोगे, ये रहा हमारे पास क्या है, ये बी सी डी ई एफ जी, ई एफ जी प्लस ओ जीरो जीरो ए, जीरो जीरो, ये जीरो जीरो मैंने लगाया था। जब इन दोनों को प्लस कर दोगे और इन दोनों को प्लस कर दोगे और इसमें से कोई इसको माइनस कर दोगे, तो इतना बड़ा नंबर जो था वो हमारे पास केवल 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा। कितने डिजिट का रह जाएगा, 3 रहेगा। और ये 3 डिजिट का जो नंबर आएगा इसको आप चेक कर लोगे 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 3 डिजिट का नंबर 7 से डिवाइड करके आसानी से पता लग जाएगा। तो जैसे आप इसको चेक कर लोगे 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, अगर ये 7 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर जो इतना बड़ा है वो भी 7 से डिवाइड होगा, और अगर ये 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो हमें इसका रिमाइंडर पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 है ये। क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी इसके बीच में मैं क्वेश्चन नहीं छेड़ रहा, इसलिए नहीं छेड़ रहा क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको पहले पूरी डिविजिबिलिटी के रूल बताऊं। अभी आपको रूल समझ में, भाई रूल जब हम इनके एग्जांपल देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको एज इट इज याद कर लो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा अभी इसके बाद इनके क्वेश्चन, एक ही दो दो क्वेश्चन, तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको पहले ये रूल बताऊंगा, मैं बोलूंगा कि ये रूल बताया था मैंने, उसको देखो अप्लाई कर रहा हूं, उसको देखो अप्लाई कर रहा हूं। तो उससे क्या होगा, एक तो आपने याद कर रखा है, फिर उस टाइम बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सोचोगे ना क्या कहते हैं कि उस टाइम ही याद कर लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक बार तो ब्लाइंडली इनको याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, और ये याद हो जाएंगे यार, कुछ बड़ी बात नहीं है, एक दो बार करोगे याद हो जाते हैं। तो ये है डिविजिबिलिटी ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, डिविजिबिलिटी ऑफ 8, 8 की डिविजिबिलिटी है तो बिल्कुल आसान होगी। 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 3। अब आप बता दो, मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया है, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, तो इसका मतलब कोई भी नंबर होगा ए बी सी डी ई एफ, क्या उसके अंदर आप सारे नंबर को 8 से डिवाइड करके देखोगे, नहीं। 2 की पावर 3 तो लास्ट की क्या चेक करनी है आपको, 3 डिजिट, 3 डिजिट में भी इसको देखना है, अगर ये इवन हुआ तो लास्ट की 2 डिजिट देख लो 8 से डिवाइड होती कि नहीं होती, और अगर ये ऑड हुआ तो इन दोनों डिजिट के अंदर क्या करोगे, 8 का आधा 4 ऐड कर दो, और जो नंबर आए उसको देख लो 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। क्लियर है भाई। डिविजिबिलिटी ऑफ 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ इट्स डिजिट सम इज 0 और 9। क्या कोई भी नंबर 9 से डिवाइड कब होगा, जब आप उसकी सारी डिजिट का सम कर दो, और सारी डिजिट का सम करने से या तो 0 आ जाए या 9 आ जाए, या कहने का मतलब है उनका डिजिट सम 9 से डिवाइड हो जाए। अरे कोई भी नंबर है उसकी सारी डिजिट को प्लस करो यार,
और प्लस करने से कोई आंसर आएगा, देखो वो 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर 9 से डिवाइड हो गया तो पूरा पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, या फिर डिजिट सम 0 आ जाए या 9। इसके लिए आप तो डिजिट सम वाली वीडियो देख लेना, वो आपको ज्यादा क्लियर कर देगा। 10 डिविजिबिलिटी ऑफ 10, ये तो बिल्कुल आसान है। 10 की डिविजिबिलिटी, लास्ट डिजिट इज 0। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 1, 2, 3, 4, 0, किसी नंबर की लास्ट डिजिट क्या हो गई 0, तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चों मैंने अभी तक आपको क्या क्या कराया है, 1 से 10 तक की डिविजिबिलिटी और ऑस्कुलेटर बताया है, उस ऑस्कुलेटर का बीच में एक बार यूज भी करा है, अभी पूरा पता लग जाए। 1 से लेकर 100 तक की डिविजिबिलिटी करा रहा हूँ, नहीं, 1 से लेकर 200 तक की डिविजिबिलिटी करा रहा हूँ, नहीं, 1 से लेकर 900 तक की डिविजिबिलिटी बता रहा हूँ, नहीं, 1 से लेकर कहीं तक की डिविजिबिलिटी बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, 1 से लेकर कोई भी नंबर की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे हम इजिली कर लेंगे। बात समझ में आ रही है भाई? तो उसके लिए आपको ये फर्स्ट क्लास थी पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 चलेगा इससे कंटिन्यू, फिर पार्ट 3 चलेगा। 3 पार्ट में आप ये पूरा डिविजिबिलिटी सीख जाओगे। फिर हम क्वेश्चन करेंगे और वही क्वेश्चन उठाता हूँ मैं जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, वही सारे क्वेश्चन उठा के वो करेंगे और देखते ही आंसर निकालेंगे। आंसर ना निकालो तो सब्सक्राइब मत करना चैनल को, और निकलने लग जाए तो सब्सक्राइब कर लेना, कर रखा है तो डिलीट कर देना अगर अच्छा ना लगे तो। चलिए ओके बाय। हेलो।